अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम अपनी एक नई रेसिपी के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड, जो कि बिल्कुल बेकरी स्टाइल की होगी। और इसकी ख़ास बात यह है कि हम आज इसको ओवन के बगैर बना रहे हैं। वैसे तो ओवन में इसकी रेसिपी है, लेकिन जिन लोगों के पास ओवन अवेलेबल नहीं होता, उनके लिए आज हम इसको डिफरेंट तरीके से बेक करेंगे। सबसे पहले आपको इन्ग्रीडियंट्स बताते चलते हैं। इन्ग्रीडियंट्स बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई डिशेज़ से आप भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और ट्राई कर सकें। सबसे पहले आपको बताती हूँ, ये है डो जो हमने पहले से इसको गूंथ के इसको रख लिया था। टाइम की कमी के बाद इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर सके, लेकिन आपको जल्द इसका एक अलग ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करूँगी। डो के लिए हमने जो मैदा लिया था वो 2 कप था, और बाकी इसके इन्ग्रीडियंट इंशाल्लाह आपसे जल्द शेयर करेंगे। अब आते हैं चिकन फिलिंग की तरफ। चिकन फिलिंग के लिए सबसे पहले हमने चिकन लिया है, ब्रेस्ट पीस चिकन का 1/2 kg, यानी 1/2 ब्रेस्ट पीस लिया। इसको हमने बॉयल करके देखे अच्छे से, इसको ये ऐसे रेशे रेशे कर लिया है। इसके साथ ही हमने लिया शिमला मिर्च 1 अदद दरमियाने साइज़ की, प्याज लिया 1 अदद दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई, धनिया और जो है हरी मिर्चें, हरी मिर्चें मैंने 3 डाली हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मैदा लिया है, आम जो मैदा होता है 2 टेबल स्पून, बटर लिया हमने 2 टेबल स्पून, और आधा कप जो है ये दूध का कप लिया, ठीक है, 1/2 मिल्क ऑफ कप। अब आते हैं कुछ मसालों की तरफ। कुछ मसालों में सबसे पहले है नमक 1 टेबल स्पून, हमारे पास ये है पिसी हुई काली मिर्च 1 टेबल स्पून, और इसके अलावा ये पिसा हुआ गर्म मसाला है, ये भी 1 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहे डाल सकते हैं। इसके अलावा ऊपर गार्निशिंग के लिए हमने लिया है 1 अंडा लेंगे, और इसके साथ ही कलवंजिया जो कि ब्रेड के एंड पर टॉपिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा चीज़ है, चीज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ एडम्स की, जो स्लाइस चीज़ है मैंने ली है, वैसे आप चेडर चीज़ कोई भी दूसरी ले सकते हैं। ये सिर्फ एंड पर टॉपिंग के लिए, इसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। आइए अब चलते हैं डो की मेकिंग की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो डो की तैयारी से पहले आपको मैं प्री हीट का तरीका बता रही हूँ कि आपने इसे ओवन के बगैर कैसे बनाना है। ओवन के बगैर हम इसे पतीले में बना रहे हैं, कोई भी घर का आपने ऐसे पतीला ले लेना है, आप कोई सा भी रफ पतीला घर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसकी बेस ख़राब ना हो उसमें आपने ऐसे नमक की एक तह बिछा लेनी है। इसके बाद आपने लेना है एक स्टैंड जिसको आप बेकिंग के लिए रख सकते हैं। इस तरह से आप एक आयरन स्टैंड लेंगे, जैसे आयरन स्टैंड घर पे होता है, या कोई भी स्टैंड। अगर स्टैंड अवेलेबल नहीं है तो कोई आप स्टील का बर्तन उल्टा करके भी रख सकते हैं, ऐसे आपने इसे रख देना है। अब मैं इसे ढक दूंगी और 15 मिनट तक आपने हाई से मीडियम फ्लेम पर इसको आपने प्री हीट करना, तब तक हम अपनी डो तैयार करेंगे। ओके फ्रेंड्स, डो की तैयारी से पहले हमने बेसिकली बनानी है चिकन की फिलिंग, क्योंकि वो उतनी देर में ठंडी होगी जितनी देर में हम डो को बेक करेंगे। सबसे पहले इसकी तैयारी के लिए हमने जो ये बटर लिया था, इसको हम प्री हीट कर लेंगे, मीन इसको मेल्ट कर लेंगे। देखें इतना से सारा बटर आप इसमें निकाल देंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम से ये सारे से चिकन की फिलिंग है इसको रेडी करेंगे। ये बटर जैसे थोड़ा सा मेल्ट होगा, इसमें जो ये चॉप किया हुआ प्याज था जो हमने बड़ी के अदर पट्टी की प्याज रखी थी, इसको हम इसमें डाल देंगे। देखिए इतना से प्याज इसमें हमने ऐड कर दिया, इसको हम ऐसे साथ साथ खिलाते जाएंगे। प्याज को आपने जो है ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको सोते करना है, बल्कि उससे भी लाइट सा आपने इसका कलर रखना है कि ये जो इसकी वाइटनेस है वो आ जाए। जैसे कि आप जब आप करते हैं तो वो वाइफ और उसका शेड आ जाता है, सिर्फ उतना ही करते हैं। जी फ्रेंड्स, तब ये देखें, ये जो प्याज का कलर है ये वाइट हमारे पास आ चुका है, येलोइश इसका जो है कलर आ गया। अब इसमें हमें ये साफ करना है मैदा ऐड, जो हमने 2 टेबल स्पून जो था मैदा रखा था, ये इसमें हम ऐड करेंगे इस तरह से। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये थोड़ा थिक सा जो है इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे फ्लेम जो है आपने चूल्हे का वो बिल्कुल 0 पे कर देना है। इसको अच्छे से हम पहले भून लेंगे, क्योंकि ये जिस तरह एक सॉस तैयार होती है, जैसे व्हाइट सॉस का तरीका आपको पता है, ये थोड़ा हम वैसे ही इसको टेस्ट देंगे, ताकि जो चिकन का टेस्ट है वो बिल्कुल ड्राई ना हो, इसमें चिकन जो है थोड़ा जूसी जूसी रहे।
जी, तो बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे हमने इसको मैदा को डाल के इसको थोड़ा हमने पका लिया, इसको भून लिया। अब ज़ीरो फ्लेम पे या फिर आप इसको चूल्हे से उतार लें, वैसे ज़ीरो फ्लेम पे मैंने किया हुआ है। तो ये जो दूध था हमारे पास हाफ कप, ये हम इसमें ऐड करेंगे ऐसे और हिलाते जाते। हमने ऐड कर दिया थोड़ा सा मैदा, मैंने बचा लिया था, ये थोड़ा ज़्यादा थिक नहीं है इसलिए मैं इसमें बाकी का भी मैदा जो है वो शामिल कर रही हूँ इस तरह से। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं, अब इनको अच्छी तरीके से पकाएंगे जब तक हमारे पास ये एक सॉस की जो है वो शक्ल इख्तियार कर ले। देखिए इस तरह से, अगर ये ज़्यादा थिन भी हो जाए तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे ये इस तरह से थिक हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपने लो फ्लेम पे इसको पकाना है क्योंकि एकदम से बहुत थिक हो जाएगा जी। इसके साथ ही अब इसमें हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे जो हमने एक अदर इसको चॉप करके रखा हुआ था, सारी सारी शिमला मिर्च हमने ऐड कर दी, इसको थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेंगे। इसका बहुत ही जो है प्यारा सा फ्रेश सा कलर हमारे पास आ रहा है, आप ज़रूर ही रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर पसंद आएगी और बेकरी स्टाइल से ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छी होगी और होम मेड है तो यकीन बहुत अच्छी बनेगी। इसके साथ ही अब इसमें जो बाकी हमारे पास स्पाइसेस थे, ड्राई स्पाइसेस, वो हम ऐड करेंगे। ये नमक, काली मिर्च, क्वान्टिटी इन सबकी हमने 1 टेबल स्पून रखी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। गरम मसाला, ठीक है, अब इनको हम मिक्स कर देंगे इस तरह से। एक थिक सा आपके पास बन रहा है, इसको आपने देख के घबराना नहीं कि ये बहुत थिक हो गया, क्योंकि जब ब्रेड में फिलिंग करेंगे तो वो थोड़ी थिक होनी चाहिए, अदरवाइज वो लीक कर जाएगी। इसके साथ ही अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे, ये चिकन जो हमने बॉईल करके इसको रेशे करके रखा हुआ था ये इसमें हम ऐड कर देंगे। चिकन की क्वांटिटी भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ज़्यादा आपको चिकन इसमें चाहिए तो आप चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिए। ये अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। फ्रेंड्स, ये सारे इन्ग्रीडियंट्स ऐड करके देखें इस तरह की फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास बाकी ये धनिया और ये जो हमने बारीक जो थी ये ग्रीन चिलीज काटी थी ये अब हम ऐड कर देंगे। ये सॉस हमारी जो है इसकी फिलिंग तकरीबन तैयार हो चुकी है, इस तरह से ऐड करके हम मिक्स कर देंगे। 2 मिनट इसको हम मज़ीद जो है मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। मेक श्योर के जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छे से ये मिक्स हो जाएं ताकि एक बराबर की जो है हमारे पास ये फिलिंग तैयार हो जाए। इस तरह ये थिक सी जो है चिकन फिलिंग आप देखें बहुत मज़ेदार सी बन गई है जी। फ्रेंड्स, ये देखें फिलिंग इस तरह से हमारी तैयार हो चुकी है, इसको अब हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए और अब हम चलेंगे अपनी डो की तरफ। डो की तैयारी के लिए पतीला प्री हीट करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसके साथ ही मैंने उसे प्री हीट होने के लिए रख दिया 15 मिनट्स के लिए। अब चलते हैं डो की तरफ जी। फ्रेंड्स, अब डो की तैयारी के लिए हम आ गए हैं। डो के लिए ऐसे हमने ये मैदा जो है ये आप देख रहे हैं ये ऐसे हमने प्लेन जो है इस पे डेस्क पे हमने इसको बिखरा दिया। अब आते हैं डो के बेकिंग की तरफ। ये देखिए जो डो है बहुत अच्छी सी हमारी जो है ये बिल्डअप हो गई है, ऐसे फूल गई है। इसके अब हम पेड़े लेंगे 2 दरमियाने साइज़ के, या अगर आप एक में इसको बनाना चाहें जैसे हमारे पास ज़्यादा है तो हम इसको 2 में कर रहे हैं। ये इस तरह से डो को हम असेंबल कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह से इसको आपने ओवल रेक्टेंगुलर सी शेप में कर लेना है। इस तरह पहले आप इसको हाथ से कर लेंगे और फिर जो रोलिंग पिन है उसकी मदद से हम इसको फैला के जितना आप इसको फ्लैट और ओवल शेप में कर लेंगे जी। अब इस तरह से इसको हम रोलिंग पिन की मदद से इस तरह से बेल लेंगे। शेप की इसमें कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि आपकी शेप बिल्कुल इस तरह रोटी का होता है कि परफेक्ट ही आनी चाहिए, बस इसको आपने लंबाई के रुख में बेलना है क्योंकि ये गोल होगी तो फिलिंग डाल के इसकी शेप ठीक नहीं आएगी। ये बिल्कुल इस तरह से आप देख रहे हैं ये हमारे पास हो गई है। तो ये देख रहे हैं इस तरह से हमारे पास बहुत ही खूबसूरत लंबाई के रूप में हो गया। अब हम दूसरे पेड़े को भी इस तरह से कर लेंगे जी। ये डो आप देख रहे हैं इसको हमने 2 डिफरेंट डोज के अंदर इसको बेल दिया। अब आएंगे फिलिंग की तरफ। देखिए इस
तरह से सेंटर में आपने फिल करते जाना है, ठीक है। लंबाई के रुख में ही सेंटर में रखना है क्योंकि साइड्स पे हम इसको कट लगा के फोल्ड देंगे। ये देखिए इस तरह से ये फिलिंग कर देंगे, से ये दूसरी को भी साथ बेक कर देंगे। आप इन दोनों को अलग अलग भी बेक कर सकते हैं, अगर आपके पास स्पेस इतनी है तो आप दोनों को इकट्ठा बेक कर लेंगे। जिस तरह के अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पतीला हमने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है, 15 मिनट इसको भी होने वाले हैं। देखिए आप इस तरह से फिलिंग इसको हमने कर दी है। अब जो चीज़ थी इसको इस तरह से स्लाइसेस की फॉर्म में आप ऐसे डालते जाएंगे। अगर आप शेडेड चीज़ कोई दूसरी यूज़ कर रहे हैं तो उसको जैसे हम बारीक चॉप कर लेते हैं, कद्दूकस कर लेते हैं, वैसे आपने इसके ऊपर डाल देनी है। चीज़ ऑप्शनल है, अगर जैसे आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, जैसे बच्चे भी पसंद करते हैं चीज़ को। इस तरह से ये सारी चीज़ हम इसके ऊपर डाल देंगे, चीज़ से फ्लेवर आपका जो है वो अच्छा बन जाता है। ये देखिए ये सेकंड स्लाइस है, थोड़ी ये मेल्टेड हो चुकी है क्योंकि हमने इसे बाहर रखी हुई थी। आप डायरेक्ट रेफ्रिजरेटर से करके भी इसको डाल सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे इसको आपने टुकड़ों में कर लें, स्लाइस कर लें या चॉप कर लें, जैसे आपको पसंद हो। चीज़ से एक इसका बहुत अच्छी एक तो टेस्ट आएगा और जब आप मेल्टेड चीज़ होगी तो इसका दिखने में भी अच्छी लगेगी, ठीक है जी। अब ये देखें चीज़ इसके ऊपर जो है ऐसे लगाने के बाद अब हम इसको कट्स देंगे ताकि इसकी जो है फोल्डिंग कर सकें। जैसे आपने देखा है फिश की फॉर्म आती है, उस तरह से हम इसको कट्स लगाएंगे। किसी कटर से, छुरी से, चाकू से या जैसे आपको इजी लगे आप इसे आराम आराम से इस तरह से कट लगाएंगे। फासला मुनासिब रखें ताकि फोल्डिंग में आसानी। आराम आराम से एहतियात से कट करें कि जो डो है वो आपकी फटे ना। अगर डो आपने बहुत अच्छे से रखी हुई थी, इसको भून के अच्छे से रखा हुआ था, आपने इसको मतलब जो बेला है वो अच्छे से बेला, तो इसमें इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए हमने इन दोनों डोज को ऐसे कट कर लिए हैं। अब बारी है रैपिंग। रैपिंग आराम आराम से एक एक लेयर उठाकर आप रैप करते जाएंगे। दोनों साइड से आप एक एक बारी में उठाएंगे इस तरह से। कट्स जितने बारीक और जितने आप सीक्वेंस से लगाएंगे उतनी ही अच्छी शेप हमारे पास इसे आएगी। लेयर बाय लेयर आप इसको करते जाएंगे। अब जैसे हमने इसकी लेयर्स बनाई थी, मैंने एक इसकी लेयर्स बना के हाथ की मदद से उठा के इसको बेकिंग ट्रे में रख दिया है। बेकिंग ट्रे आपके पास नहीं है, कोई भी आप स्टील का जो देशी का ढक्कन होता है, पतीले का ढक्कन, वो यूज़ कर सकते हैं। उसको पहले आपने ग्रीस लाजमी करना है, ऑयल से ग्रीस कर लीजिए इस तरह से, और ऊपर थोड़ा सा जो मैदा है उसका जो है छिड़काव कर लीजिए ताकि ये चिपके ना। अब आते हैं दूसरी की तरफ। इस तरह से दूसरी चिकन ब्रेड भी हम हाथ की मदद से आराम से उठाएंगे ताकि ये फट ना जाए या खराब ना। ये इस तरह से हमें दोनों को देख सकते हैं आप रख दिया। अब आते हैं हम इसके ऊपर जो अंडा मैंने आपको बताया था कि आपने इसकी टॉपिंग के लिए लेना है। अंडा और कलगंजी आप तिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जैसे आपको पसंद है। ब्रश या चम्मच की मदद से ऐसे अंडे को आपने ऊपर ऐसे लगा लेना, इससे इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा होगा और आप जब देखेंगे बेक हो के आएगा तो ऊपर एक अलग सा इसका एक टेक्सचर आएगा जी। तो ये अब दूसरी ब्रेड पे दिखा रही हूँ मैं आपको कि आपने किस तरह से अंडे को लगाना है। इंशाल्लाह बहुत ही लजीज सी एक रेसिपी आज आपके लिए तैयार कर रही हूँ, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली अपडेट्स भी आप हासिल कर सकें जी। तो ये अंडे की जो कोटिंग है ये मैंने कर दी है। के बाद अंडे की कोटिंग के बाद ही आते हैं हम कलवंजी की तरफ, जो मैंने आपको बताई थी। कलवंजी और तिल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं या जो आपको पसंद है। इस तरह से इसके ऊपर यूँ छिड़काव कर देंगे। हसब ज़रूरत आप ले सकते हैं जितना आपको अपने टेस्ट के मुताबिक पसंद है जी। तो ये देखें
सारी ये सेम्बलिंग का काम हमारा हो चुका है। अब बारी है बेकिंग की। पतीला हमारा प्रीहीटेड है, 15 मिनट मैंने आपको बताया था। अब हम इसको उसमें रख देंगे। ग्लव्स या मिटन की मदद से रखिए ताकि हाथ जलने का आपको खदशा ना हो। जी फ्रेंड्स, ये देखें, इस तरह से इसको पतीले में हमने सेट कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था, स्टैंड के ऊपर ये हमने जो बेकिंग ट्रे है इसको रख दिया। अब मैं इसको पतीले को ढक रही हूँ। बेकिंग टाइम जो इसका है वो 30 मिनट्स है तकरीबन। 30 मिनट्स बाद आप चेक कर लेंगे कि बेक हो चुका है या नहीं। जी, अब तो ये इसको मैं ये ढक रही हूँ।